वेलकम बैक टू महेंद्र ब्लॉग। तो हाय गाइज, कैसे हो आप लोग? वापस से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज, मैं अभी अपना गांव में आया हूं और ये मेरा ज़िला है जो भभुआ ज़िला है, भभुआ कैमूर ज़िला में आया हूं और यहां से आप लोगों को मैं ब्लॉग के माध्यम से कुछ व्यू दिखाऊँगा। तो गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाँव का ये मेरा पहला वीडियो है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आप बने रहें और पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आ गया भभुआ का ये सदर हॉस्पिटल है, ये आप देख सकते हैं सदर हॉस्पिटल है। इसके अंदर हम लोग चलते हैं और इसके अंदर का व्यू देखते हैं। गाइस, जब आप अंदर आएँगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा, काफ़ी साफ़ सुथरा मिलाएंगे आपको अंदर का रास्ता। ये देख सकते हैं दीवारों पर कुछ इस तरह का टैटू बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड दीवार पे टैटू बना हुआ है। ये हॉस्पिटल के अंदर का व्यू है। जब आप मेन गेट से जाएंगे तो कुछ इस तरह का रास्ता आपको दिखाई देगा और काफ़ी साफ सुथरा जगह बना हुआ है। रास्ता भी चौड़ा है एम्बुलेंस गाड़ी को आने जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं अंदर घुसेगा तो ये आप लोगों को रास्ता मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाते हैं। और गाइस, जब आप अंदर आएंगे तो आपको वायुरोगी विभाग यानी ओपीडी मिलेगा। ये हॉस्पिटल है, ये ओपीडी है। ओपीडी है और ओपीडी का यहाँ पे देखिए लाइन लगा हुआ है। पहले पर्चा कटाना होगा, कोई भी आपको इलाज कराना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन लगा के पर्चा कटाना होगा। पर्चा कटाने का 2 रुपया लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन लगा हुआ है, ये लाइन में खड़ा होकर पर्चा कटाना होगा। ये देखिए पेशेंट लोग बैठे हुए हैं। पर्चा कटाने के बाद आपको कौन सा डॉक्टर के पास जाना, कौन सा इलाज करना है, आप लोगों को पता चल जाएगा। यहीं से पहले पर्चा कटाना होता है। ये भी देखिए, और गाइस आपको अंदर में आरो का मशीन मिल जाएगा पानी पीने के लिए। ये देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरा है। ये आरो का मशीन है, यहाँ काउंटर है और अंदर ओपीडी है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। और गाइस, जब आगे इधर यहाँ पे जन्मजात बच्चों के लिए ICU है। यहाँ पर देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, बच्चों के लिए ICU बना हॉस्पिटल के अंदर ही है। ये सब हॉस्पिटल सब सामान आया हुआ है। ये ICU है बच्चों के लिए हॉस्पिटल के अंदर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और आगे जब आइएगा तो यहाँ पे अंदर में ही पार्किंग मिल जाएगा, बाइक साइकिल का पार्किंग है। काफ़ी बड़ा पार्किंग बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये पार्किंग है, साइकिल बाइक रखने के लिए पार्किंग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। और हॉस्पिटल को चारों तरफ से बाउंड्री भी दिया गया है, काफ़ी सेफ्टी है। और आगे चलिएगा तो आप लोगों को महिंद्रा का जनरेटर मिल जाएगा जो बिजली देता है। यहाँ पे लाइट जाने पर बिजली का काम आता है। ये आप देख सकते हैं जनरेटर भी है और अंदर में काफ़ी स्पेस है, पूरा बाउंड्री किया गया है। ये सदर हॉस्पिटल के अंदर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चारों तरफ साफ सफाई किया गया है, ये आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर का व्यूज है। जगह जगह बैठने के लिए सीट भी बना हुआ है, पेड़ पौधा भी है। और ये हॉस्पिटल के अंदर से ही आपको व्यूज कुछ इस तरह दिखाई देना देता है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ये आप देख सकते हैं। और अंदर में भी अच्छा खासा स्पेस है, आप देख सकते हैं। सब ऊंचा खाला सब भर के बराबर किया गया है। ये हॉस्पिटल का व्यू है, सदर हॉस्पिटल भभुआ। ये भभुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हॉस्पिटल है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू है और अंदर से ही आप लोगों को इधर से एम्बुलेंस भी मिल जाएगा, अंदर में एम्बुलेंस भी मिलता है। ये जनरेटर है सामने,
चलिए और आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर और क्या क्या वो दिखाते हैं। और गाइज हॉस्पिटल के अंदर में ही रसोई है, किचन है, जो हॉस्पिटल में मरीजों को फ्री खाना मिलता है, जो शुद्ध खाना बना के मिलता है। चलिए आप लोगों को मैं हॉस्पिटल का रसोई भी दिखाता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, हम लोगों को रसोई दिखाते हैं, बाहर का व्यू है कुछ इस तरह। ये रसोई घर का मेन गेट है, यहाँ से आप घुसिएगा। ये किचन है, यहाँ पे देखिए सब बैठ के खाना खाने के लिए भी है। और गाइस ये देख सकते हैं एम्बुलेंस भी बहुत सारा है यहाँ पे हॉस्पिटल में, ये देख सकते हैं बहुत सारा एम्बुलेंस भी है। ये भी जनरेटर है, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का ये ऊपर चढ़ने के लिए कुछ इस तरह सीढ़ी बना हुआ है, फ्लैट सीढ़ी है, जिसे चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोनों साइड से रेलिंग भी बना हुआ है ये हॉस्पिटल में। ये फोर्थ फ्लोर है और सभी फ्लोर पे इसी तरह का फैसिलिटी दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह पर आएंगे तो फिर ऊपर जाने के लिए ये इसी तरह बना हुआ है, और यहाँ से आप आते हैं तो ये नीचे जाने के लिए, ये सभी फ्लोर पर इसी तरह बना हुआ है। और इधर इधर में रूम है, आप देख सकते हैं। ये बाहर का व्यू है, कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये नीचे चलते हैं और आप लोगों को नीचे दिखाते हैं। ये काफ़ी शानदार सीढ़ी बना हुआ है, जो कि चढ़ने उतरने में मरीज और पब्लिक को भी दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए खूबसूरती, ये हॉस्पिटल की खूबसूरती है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह दिखाई देता है, ये फोर्थ फ्लोर है, सही फ्लोर पर इसी तरह का सीढ़ियाँ है। चलिए अब मैं नीचे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सीलिंग का काम भी हो रहा है, ये ऊपर में फोर सीलिंग का काम हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं, लाइट सब लगेगा। और ये सब इमरजेंसी है, ये अंदर जाने के लिए है। ये देख सकते हैं बैठने के लिए बना हुआ है, ये गेट है। ये बाहर का व्यू है, कुछ इस तरह बाहर का व्यू दिखाई देता है। और ये हॉस्पिटल का बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई देता होगा, ये देख सकते हैं हॉस्पिटल का बिल्डिंग है। और कुछ इस तरह आप लोगों को ये बिल्डिंग मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हॉस्पिटल कुछ इस तरह दिखाई देता है। भभुआ का ये, भभुआ डिस्ट्रिक्ट का ये हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, कुछ इस तरह दिखाई देता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे पेड़ भी है, एक बड़ा सा मोटा सा पेड़ भी है, जो गर्मी के दिनों में छाया देता है। ये देख सकते हैं बड़ा सा पेड़ है, ये छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पे, और ये हॉस्पिटल है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बगीचा जैसा है, और ये आरओ के लिए फिल्टर पानी लगा हुआ है आरओ का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आरओ का फिल्टर पानी है, और ये हाथ धोने के लिए है। काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। ये पानी रखने के लिए ऊपर टंकी रखने के लिए बना हुआ है, कुछ इस तरह। काफ़ी अच्छा लगा अभी तक तो हॉस्पिटल का। और गाइस हॉस्पिटल से बाहर जब निकलिएगा तो कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा, बाहर में सब दुकान लगा हुआ है, बेड का, कपड़ा का, देखिए। और हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही रोड है, रोड बबुआ का, ये रोड का चहल पहल है, आप देख सकते हैं स्कूल भी है, ये चहल पहल है, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों साइड से दुकान भी है, ये देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ये सब दुकान लगा हुआ है,
ये देखिए इलेक्ट्रिक बिजली जा रहा है, गांव का इलेक्ट्रिक। यहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी कपड़ा मिलता है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी चहल पहल है, ये मेडिकल भी है सामने से, दुकान भी है बहुत सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मार्केट आप लोगों को भी घुमा देते हैं। सब सीजन का फल है और ये सदर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के बाहर का ये व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं जगह जगह मेडिकल भी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे नारियल पानी बिक रहा है, फल है। हॉस्पिटल के बाहर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का भी। और ये आप देख सकते हैं भभुआ का मार्केट का, ये सब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग में भी बहुत सारा दुकान है। चलिए आप लोगों को मैं इसके अंदर चलता हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है। और ये सभी बना हुआ है और यहाँ से मैं चलता हूँ ऊपर, देखते हैं क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं चश्मे का दुकान है, यहाँ पे पावर का भी चश्मा मिलता है। ये अच्छा खासा दुकान है और आगे चलते हैं। और ये कपड़े का दुकान है, भैया अंदर आ सकते हैं क्या? चलिए अंदर चलते हैं और एक भैया से थोड़ा पूछते हैं क्या क्या रखते हैं। भैया मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो मैं इधर में घूम के वीडियो बना रहा था तो आपका दुकान देखा, थोड़ा अच्छा लगा देखने में हमको, तो सोचा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या रखते हैं भैया दुकान में। अच्छा, तो आप सस्ता मिलेगा, जो ओरिजिनल मिलेगा। अच्छा, मतलब बता के कस्टमर को बता देते हैं कि कितना मिलेगा और अपना उसके हिसाब से कस्टमर को पड़ता है तो लेता है लोग। तो मतलब आपका रेट क्या है, मतलब और दुकानों से आपका रेट कैसा? मैं कस्टमर को हमेशा बोलता हूँ, अच्छा अच्छा, पहले बाजार में कोई आइटम, अच्छा अच्छा, उसका दाम देखिए, वही सेम चीज मेरे यहाँ पे की दाम में बहुत फर्क पड़ता है ना। मतलब और दुकानों से आप कम दाम में देते हैं तभी कस्टमर लोग ज़्यादा आते हैं ना। तो गाइस आप देख सकते हैं ये भैया से मैं बातचीत किया, इनके दुकान में बहुत कुछ आइटम रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा भैया दिखा दीजिए तो कुछ मेरे पास है। हाँ, भगवान में कहीं भी पहुंचेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये देखिए गाइज भैया दिखा रहे हैं, टी शर्ट है, काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है। और ये देखिए भगवान में आपको नहीं मिलेगा कहीं, काफ़ी खूबसूरत टी शर्ट है, सही बोले भैया। और भैया कोई आइटम आप? यहाँ पे आप लेडीज बच्चे का स्पेशलिस्ट है ना कि? काफी कपड़ा है भैया के पास। और यहाँ पे लेडीज और बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट हैं ये भैया बोल रहे हैं। और इनका कहना है कि और भी दुकानों से अगर आप लोगों को जो भी मिलता है वहाँ पे ये उससे भी कम करके देते हैं, और इनका सामान भी बहुत अच्छा रहता है। ये इनका दुकान देखिए, ये रोड से मेन एकदम सामने में है, एकदम स्पोर्ट पे दुकान है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग आएँ और भैया से ख़रीदारी करें, भैया के किफ़ायत में देते हैं और सामान बहुत अच्छा रहता है इनका। ये आप देख सकते हैं काफ़ी भरा हुआ है सामान, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बनाए हैं अपना बैठने के लिए, और कोई ऐसा कस्टमर भी आएगा तो वो भी बैठ सकता है, उसके लिए बनाए हैं। और ये अपना काउंटर भी बनाए हैं, खूबसूरत काउंटर। तो भैया से बात करने में अच्छा लगा, ठीक है भैया। और हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आपका YouTube के माध्यम से मैं ये आपको डाल दूंगा, और भी कस्टमर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी दुकान रॉयल फैशन के नाम से है। अच्छा, सदर अस्पताल के सामने। हाँ हाँ, अस्तित्व कम्प्लेक्स में। हाँ, तकबंदी मोड़ के है। अच्छा अच्छा, और आपका ये मेन रोड पर ही है? मेन रोड। और आपका ठीक है एड्रेस तो आपका ठीक ही है, यहाँ पर तो मेन मार्केट भी है और आना जाना भी अच्छा खासा है। और ये आपका कार्ड है, ये आपका रॉयल फैशन कार्ड है ना, मोहम्मद इल्ताफ हुसैन, और आपकी ये नंबर है। ठीक है भैया, अच्छा लगा आपका एड्रेस भी। ठीक है भैया, तब चलते हैं।
तो गाइज मैंने भैया से बात किया, अच्छा लगा बात करने में, और बात व्यवहार भी बहुत अच्छा है भैया का। तो आप लोग आएँ यहाँ पे ख़रीदारी करें, और आप लोगों को किफ़ायत में ये सामान दे देते हैं, और इनका सामान क्वालिटी में भी अच्छा रहता है। तो चलिए चलते हैं, ये गाइज आप देख सकते हैं जगजीवन स्टेडियम का वहाँ पे हो। चलिए स्टेडियम चलते हैं और यहाँ का स्टेडियम कैसा है देखते हैं। चलिए स्टेडियम देखने चलते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइज मैं भभुआ के स्टेडियम में आ गया हूँ, और ये मेन गेट है, यहाँ से आप आइएगा तो ये बैठने के लिए सीट बना हुआ है। ये कुछ अंदर का व्यूज़ है, ये स्टेडियम है देख सकते हैं, ये क्रिकेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर का व्यूज है। और ये स्टेडियम में देखिए क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, बैठने का दोनों साइड से सीट बना हुआ है उधर, और उस साइड भी बना हुआ है, और इधर भी बना हुआ है, और बाहर से चारों तरफ से पेड़ पौधा भी लगा हुआ है। बड़ा सा स्टेडियम है, क्रिकेट हो रहा है। ये भभुआ का मेन रोड से थोड़ी दूर पे ही, दो मिनट अब चलिएगा तो स्टेडियम आ जाइएगा। ये देख सकते हैं ये स्टेडियम है भभुआ का। तो गाइस गांव का मैं आप लोगों को बहुत कुछ व्यू दिखाया और देखा भी। तो गाइस यहाँ का रहन सहन, यहाँ का बात व्यवहार, और यहाँ के जगह भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग भी अगर गांव में आएंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग गांव घूमने आएँ। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।